इसमें पहला प्रश्न है कि वॉलीबॉल के 9 खिलाड़ियों में से 6 की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, जबकि कप्तान को रखना आवश्यक है। तो यहाँ पर 6 की टीम बनानी है और 9 खिलाड़ी दिए गए हैं, और इसमें एक खिलाड़ी को फिक्स कर दिया गया है कि कप्तान को लेना आवश्यक है। तो अब 6 की टीम में बच गए 5, 5 का चयन करना है और 9 में से एक खिलाड़ी कप्तान है, तो इस प्रकार 8 खिलाड़ी में हमें 5 का चयन करना है। तो इसे हम लिखेंगे कि चूंकि कप्तान को रखना आवश्यक है, इसलिए 9 ऋण 1 = 8 खिलाड़ियों में से 6 ऋण 1 = 5 खिलाड़ियों के चयन के प्रकार, या अभीष्ट संचय बराबर 8C5। पूरक संचय का उपयोग करके हम इसे लिख सकते हैं 8C8 ऋण 5 = 8C3 = 8×7×6/1×2×3। इसको सरल करने पर आपको मिल जाएगा 56, या फिर आप NCR = N·n·r·n − r का फैक्टोरियल इस सूत्र का उपयोग करें तो आप लिख सकते हैं 8C5 = 8·5·5 का फैक्टोरियल। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा फैक्टोरियल 8·5·3 = 8×7×6/1×2×3 = 56। अगला प्रश्न, एक भ्रमण करती हुई क्रिकेट टीम में 16 खिलाड़ी हैं, जिनमें 5 गेंदबाज व 2 विकेटकीपर हैं। इनमें से 11 खिलाड़ियों की ऐसी कितनी टीम चुनी जा सकती है जिसमें 3 गेंदबाज व 1 विकेटकीपर मौजूद हो। तो कुल 11 खिलाड़ियों का चयन करना है और 16 खिलाड़ी हैं, जिसमें 5 गेंदबाज, 2 विकेटकीपर व 9 अन्य हैं। तो इस 11 खिलाड़ियों को चयन करने के लिए हमें 3 गेंदबाज व 1 विकेटकीपर चाहिए, अर्थात 5 गेंदबाज में 3 गेंदबाज चयन करने के जो प्रकार होंगे उसे हम लिखेंगे 5C3, और 2 विकेटकीपर में 1 विकेटकीपर का चयन करने के प्रकार 2C1 या 2C1। इसी प्रकार 9 अन्य में से 7 को चयन करने के प्रकार बराबर 9C7 या 9C7। पूरक संचय का उपयोग करके हम इसे लिख सकते हैं 9C2। इस प्रकार अभीष्ट संचय बराबर 5C3×2C1×9C2। आगे हम इसे लिख सकते हैं 5×4×3/1×2×3×2/1×9×8/1×2। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 720, जो कि अभीष्ट संख्या है जो हमें ज्ञात करनी थी। यह दिया गया है कि 8 पुरुषों और 4 महिलाओं में से 5 सदस्यों की एक समिति बनानी है। बताइए कि यह कितनी विधियों से बनाई जा सकती है, जबकि समिति में, इसका पहला सेक्शन है, केवल एक महिला ली जाए। तो इसका मतलब ये कि 4 महिला में से हमें एक महिला लेना है और शेष जो बच गए 8 पुरुष, उसमें से हमें 4 सदस्यों का चयन करना है, क्योंकि कुल 5 सदस्यों का चयन करने के लिए कहा गया है। तो इसे हम लिखेंगे कि केवल एक महिला का चयन करना है अर्थात 4 महिलाओं में से एक का चयन और शेष जो पुरुष है, ये 8 पुरुषों में 4 सदस्यों का चयन, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि केवल एक महिला ली जाए। तो इस प्रकार हम इसका अभीष्ट संचय लिख सकते हैं कि 4 महिलाओं में से एक के चुनने के प्रकार, तो ये 4C1 हो जाएगा, और 8 पुरुषों में 4 को चुनने के प्रकार, इसको 8C4 लिखेंगे।
4c1 को सरल करेंगे, ये हो जाएगा 4/1, और 8c4 इसके लिखेंगे 8 × 7 × 6 × 5/1 × 2 × 3 × 4। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर के 6, और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा 56, और इसमें आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 280। और यही इस पहले भाग का उत्तर है। इस प्रश्न का दूसरा भाग दिया गया है, कम से कम एक महिला ली जाए। कम से कम एक महिला ली जाए, इसका कथन का तात्पर्य है कि एक तो होनी ही चाहिए, 1, 2, 3, 4 यह हो सकती है। तो इसे हम लिखेंगे कि समिति में महिलाओं की संख्या 1, 2, 3, 4 हो सकती है। इस प्रकार समिति निम्न प्रकार से बन सकती है। चलिए देखते हैं, इसमें जो पहला प्रकार है इसमें हम 4 पुरुष व 1 महिला के चयन का प्रकार लिख सकते हैं, के चयन के प्रकार। तो इसका मतलब ये कि 8 पुरुष हैं, इसमें 4 का चयन करना है, और 4 महिला है, उसमें 1 का चयन करना है। तो 8c4 × 4c1, आगे आप इसे सरल कर सकते हैं, 8 × 7 × 6 × 5/1 × 2 × 3 × 4, और ये 4c1 का मतलब है 4/1। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 280। इसी प्रकार अब हम इसमें 3 पुरुष व 2 महिला का चयन कर सकते हैं। तो इसे हम लिख रहे हैं कि 3 पुरुष व 2 महिला के चयन के प्रकार। अब आपके पास कुल 8 पुरुष हैं, इसमें से 3 का चयन, तो ये 8c3, और 4 महिला है, इसमें से 2 महिला के चयन के प्रकार, तो ये 4c2 हो जाएगा। अब दोनों का गुणा कर देंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 8 × 7 × 6/1 × 2 × 3, और इसी प्रकार 4c2 ये तो 4 × 3/1 × 2। इसको जब आप सरल करेंगे तो कुल मिलाकर आपको मिल जाएगा 336। अब अगला 4, 3, अब फिर 2 पुरुष, 2 पुरुष व 3 महिला के चयन के प्रकार। तो 8 पुरुष में 2 का चयन, तो 8c2, और 4 महिला में 3 महिला के चयन के प्रकार। तो इस तरीके से आप इसको 8c2 × 4c1 लिख सकते हैं। पूरक संचय का उपयोग करके 4c4 − 3, तो आपको मिल जाएगा 1। आगे सरल करेंगे तो मिलेगा 8 × 7/1 × 2, और ये 4c1 का 4/1। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 112। और अंत में इसका एक प्रकार है जिसमें हम 1 पुरुष व 4 महिला के चयन के प्रकार। तो इसे आप लिखेंगे 8c1, 8 पुरुष में 1 का चयन करना है, और 4 महिला, तो 4 में से 4 का चयन करना है। तो ये 8c1, और इसको आप 1 लिख सकते हैं क्योंकि NCN ये 1 होता है। 8c1 इसे आप लिखेंगे 8/1 × 1, सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 8 अर्थात 8। तो इस प्रकार हमें जो अभीष्ट संचय चाहिए या फिर अभीष्ट विधियां चाहिए, इन सभी विधियों का हमको योग करना होगा। तो ये मिल जाएगा 280 धन 336 धन 112 धन 8। सबको जब आप योग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 736, और यही वह अभीष्ट संख्या है या वह अभीष्ट प्रकार है जिस प्रकार से हम दिए गए प्रश्न में समिति का चयन कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी n भुजाओं के बहुभुज में
कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? तो पहली बात यह है कि भुजा क्या है और विकर्ण क्या है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। तो इसमें हम यह लिखेंगे कि बहुभुज के कोई दो कोणीय बिंदुओं को मिलाने पर, बहुभुज के कोई दो कोणीय बिंदुओं को मिलाने पर कुल NC2 रेखाएं बनेंगी। परंतु इसमें बहुभुज की भुजाएं भी सम्मिलित होंगी। तो इस प्रकार हम विकर्ण की संख्या, जो संख्या लिखेंगे ये आपका NC2, क्योंकि N बहुभुज है, मतलब N बिंदु है, उसमें से किसी दो को मिलाएंगे तो हमें कुल भुजाओं की संख्या मिलेगा। लेकिन उस N बहुभुज में या हमारा जो NC2 है उसमें भुजाओं की संख्या भी सम्मिलित है, तो उसे हम इसमें घटा देंगे। तो NC2 को आप लिख सकते हैं N (n-1)/(1:2) और फिर ये माइनस N। तो N को यदि आप दोनों से कॉमन लें तो ये N-1/(2) और फिर ये -1। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा N और हर में आ जाएगा 2N-1 और ये -2। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा N(n-3)/(2) और यही इस प्रश्न का उत्तर है। अब इसमें एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि 16 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 16 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, आप डायरेक्टली यहां पर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं या फिर इस सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। तो 16C2 - 16 करेंगे तो वह अभीष्ट संख्या मिल जाएगी। इसको सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 120 और ये 16। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 104, जो कि अभीष्ट संख्या है। या फिर आप इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, n के स्थान पर आपको रखना है 16 और 16√3/2। तो 16/2 करेंगे तो मिल जाएगा 8 और ये 13, 13 × 8 = 104। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इस सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं और या फिर इस सूत्र का उपयोग करके भी इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। 16 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्ण की जो संख्या होगी यह 104 होगी। अगला प्रश्न, किसी कक्षा के 20 विद्यार्थियों में से 10 की टीम बनानी है, ऐसे कितने प्रकार से संभव है जबकि 6 हमेशा लिए जाएं एवं 4 छोड़ दिए जाएं? तो कुल 20 विद्यार्थी हैं यहाँ पर और जिसमें कहा गया है कि 4 को हमेशा छोड़ दिया जाए। तो इसका हम हल लिखेंगे कि 20 विद्यार्थियों में 4 छोड़ दिए जाएं तो अब 16 विद्यार्थियों में चयन करना है। ये प्रश्न का पहला भाग हल हो चुका। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि 6 हमेशा लिए जाएं, जिसमें 6 हमेशा लिए जाएं। अब 6 हमेशा लिए जाएं तो 16 विद्यार्थी हैं, इसमें से 6 को हमेशा लिए जाना है। तो 16 में जब 6 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 10 और इस 10 में आपको चयन करना है 6 का, 10 में 6 का चयन करना होगा।
तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि इसका अभीष्ट संचय बराबर 10C6, 10 में 6 का चयन। पूरक संचय का उपयोग करके आप लिख सकते हो 10C10-6=10C4, और आप 10C4 को लिख सकते हो 10×9×8×7/1×2×3×4। इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 210, और यही इस अभीष्ट प्रश्न का उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि 15 बिंदुओं में से 5 बिंदु समरेख हैं, यदि इन बिंदुओं को मिलाया जाए तो बताइए। इसमें पहला प्रश्न, कितनी सरल रेखाएं बनाई जा सकती है। तो अगर कोई बिंदु समरेख हो जाएगा, अगर 5 बिंदु समरेख हैं तो 5 बिंदुओं से केवल और केवल 5C2 रेखाएं नहीं बनेंगी। इसका हमें ध्यान रखना है और हमें हल करना है। तो इसे हम लिखेंगे कि यदि 15 बिंदुओं में से 3 बिंदु समरेख ना हो तो उनको एक बार लेकर अर्थात दो दो को लेकर बात हो रही है यहां पर, दो दो कुल रेखाएं बनेंगी। ये होगा 15C2, दो बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा बनती है। तो ये 15C2 सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 15×14/1×2, सरल करने पर आपको मिल जाएगा 105। लेकिन यह कहा गया है कि 5 बिंदुएं समरेख हैं, अतः 5C2 अर्थात 5×4/1×2=10 रेखाएं नहीं बनेंगी। परंतु एक रेखा बनेगी, तो इस प्रकार अभीष्ट रेखाओं की संख्या को जोड़ेंगे, इसमें 10 को घटाएंगे, लेकिन इसमें एक और जोड़ देंगे, क्योंकि 5C2 से 10 रेखा तो नहीं बन रही, लेकिन एक रेखा जरूर बन रही है। तो इस प्रकार इसको जब आप सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 96, और यह अभीष्ट उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। फिर से प्रश्न वही है कि 15 बिंदुओं में से 5 बिंदु समरेख है, यदि इन बिंदुओं को मिलाया जाए तो बताइए कि कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। यह नया भाग है, हम लिखेंगे कि किसी 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने पर त्रिभुज बनता है। तो 15 बिंदुओं में 3 बिंदुएं असंरेख हो तो बनने वाले त्रिभुज की संख्या ये हो जाएगा 15C3, 15 में से 3। तो आप इसे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 15×14×13/1×2×3। सरल करने पर आपको मिल जाएगा 455। और प्रश्न में दिया गया है कि 5 बिंदु समरेख हैं, 5 बिंदुएं समरेख है, अतः इनसे 5C3, और पूरक संचय का उपयोग करके आप लिख सकते हैं 5C2/5×4/1×2=10। 10 त्रिभुज नहीं बनेंगे, क्योंकि इनसे
पांच बिंदु समरेखा है, इस वजह से इससे 10 त्रिभुज नहीं बनेंगे, यह आपको ज्ञात होना चाहिए। तो इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुजों की संख्या, तो 15C3 माइनस 5C2 या 5C3, तो ये आपको मिल जाएगा 455 ऋण 10, और सरल करने पर आपको मिल जाएगा 445, और यह अभीष्ट संख्या है जो हमें ज्ञात करना था।